काल ने ऐसे दस्तक दी कि सब कुछ ठप पड़ गया, पूरा देश बंद हो गया। सभी कामकाज, बाजार, मेट्रो, पूरी जनता अपने घरों में कैद रही, यानी कि सभी को अपने घरों में लॉक होना पड़ा। अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो अब दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो को भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 25 मार्च के बाद 25 जुलाई बीत चुकी है, लेकिन मेट्रो अभी तक कोरोना काल में शुरू नहीं की जा सकी है। हालांकि मेट्रो कोरोना को टक्कर देने के लिए तैयार है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में इस बारे में फैसला ले सकती है। शुरुआत में आम लोगों को मेट्रो में यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पहले 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो का परिचालन शुरू करने की योजना है। हम अगले 2 हफ्तों में मेट्रो सिस्टम खोलने पर कोई फैसला लेंगे। मानव परिचालन प्रक्रिया पर काम चल रहा है, हम मेट्रो बहाली के लिए तैयार हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। पहले चरण में 50% से ज्यादा सीटों पर यात्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें भी सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मेट्रो में आने जाने की इजाजत होगी। दरअसल पिछले करीब 4 महीने से बंद पड़ी मेट्रो की वजह से सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और मेट्रो को भी घाटा हो रहा है। इसलिए अब इस बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू की जा सकती है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक मेट्रो नियमित तौर पर अपने सिस्टम का परीक्षण कर रही है और वो परिचालन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजना कुछ ऐसी है कि पूरे देश में मेट्रो सेवा को एक साथ शुरू किया जाए, इसलिए इंतजार किया जा रहा है अनलॉक 4.0 का। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली मेट्रो संचालन की बात कह चुके हैं, क्योंकि उनके मुताबिक मेट्रो चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला तो केंद्र सरकार को ही लेना होगा।